एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडल अश्विता में स्वागत है एक नए से वीडियो में। गाइस इसके लिए वेट करो, ये क्या है, मैंने क्या लिया, क्यों लिया ये बता देता हूँ। आज अगर यूज करने मिला मुझे ये चीज तो बहुत ही मजा आ जाएगा। आगे बढ़ने के पहले स्टोरी डालना तो बनता है। तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है वंडल अश्विता में, और ये मेरा दूसरा अकाउंट है वैन एंड मोटो। अगर कंटेंट पसंद आए तो आप कर सकते हो फॉलो। बाकी इधर की मैं स्टोरी लगा देता हूँ। अभी ये स्पंज है, थोड़ा जुगाड़ से इसको मैं टाई करने वाला हूँ, और ये थोड़ा कम्फी है बैठने के लिए, इसके लिए मैंने ये लिया है। आई गेस ये मेरी सेकंड सोलो राइड रहेगी। पहली राइड मैंने की थी मुंबई टू रत्नागिरी सोलो राइड। वैसे तो बहुत राइड किया है, बट सोलो राइड में मुंबई टू रत्नागिरी थी, बहुत एक्सप्लोर किया था। इस बार मैं जवाहर जा रहा हूँ तो भाई मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि समर टाइम में वाटरफॉल मतलब अलग ही बात रहती है। बाकी ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने स्क्रैप से उठाई थी। ये स्पंज दिख रहा है ना आपको, दिखने में ख़राब दिखता है, बस क्या करेगा, जुगाड़ में काम बनता है तो बस और क्या चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं स्टोरी डालने के लिए रुका था। यार यहाँ का सीन देखो गाइस, ब्रो ये क्या है। मेरे हेलमेट में है ना ब्लूटूथ है, तो मैं कौन सा सॉन्ग सुन रहा हूँ इस नज़ारे के साथ आपको बता देता हूँ। आपको समझ में आएगा क्या फीलिंग आती है सॉन्ग के साथ ऐसे नज़ारों में बाइक चला दे रहे हैं। मस्त ऐसा लोकेशन मिला है चाय पीने के लिए, तो ये ऐसा कुछ लगा दिया बाइक साइड में और चाय पीते अभी। सफर कैसा है ये सफर, ये अपना आज का हेल्दी फूड गाइस, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। कुछ नहीं, पानी में से भिगा हुआ, बॉइल भी नहीं किया। अभी दो चार ट्रक दिखे, वरना तो कुछ गाड़ी भी नहीं आ रही। इधर कोई नहीं रहता है ज़्यादा, पब्लिक ही नहीं है। मतलब इधर से थोड़ा लंबा गांव था एक, उधर पब्लिक दिखी थी, ये रोड पे तो कोई पब्लिक ही नहीं दिख रही है। बोर्ड लगा हुआ है कारमांड भी, और इंग्लिश में कुछ अलग ही प्रोनंसिएशन निकल रहा है उसका। तो यहाँ से मैं अंदर जाने वाला हूँ जो वाटरफॉल है, और वैसे इधर लिखा भी है बड़ा बोर्ड पर। तो लेट्स गो। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। धबधबा इकडून है का? हाथ रास्ता जाए ना। थैंक यू। कसम गाड़ी चढ़ जा, अभी स्टीफ है, एटलीस्ट चढ़न पे टेंशन नहीं आता, बट स्टीफ पे चढ़न क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टीफ पे थोड़ा गूगल मैप ने तो बोल दिया यू हैव अराइव। ये दिखने में आपको आसान लगेगा कैमरा में, बट जब ही आओगे ना वो बहुत नीचे। बाय द वे उधर स्टेयर्स बन रहे, बट वो अभी तक पूरे बने नहीं है। कैसा दिख रहा हो यार, अच्छा दिख रहा हो क्या? बाल नीचे आ जाते हैं। गॉगल ऊपर लगाने का मतलब क्या, मुझे सही से दिख जाए, क्योंकि ये पूरा रेड कलर का गॉगल है, और धूप से तो बचा देता है, बट वही मतलब कितना डेप्थ है वो नहीं दिख रहा है उसमें बराबर। ओके तो मैंने आपको बताया नहीं ना ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है अभी बता देता। ये है लाइफ जैकेट। देखो हमें थोड़ा रास्ता बराबर तो है, हाँ तो हमें थोड़ा आदत है रिस्की काम करने की, ऐसे रिस्की जगह पे आने की आदत है, तो मैंने सोचा कि ले लेते यार। आई होप सही जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे जाना है कि यहाँ पे जाना है समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी एक जा रहा है रोड, मुझे नहीं लगता ये रास्ता सही है, मुझे नहीं लगता ये रास्ता सही है। वो रास्ता देखते कहाँ पे जा रहा है फिर इधर आते। तो पता है मैं आगे जाके कंफ्यूज होने वाला था, इसके लिए मैंने वो डाउनलोड करके रखा है ऑफलाइन में। अच्छा हुआ मैं आगे नहीं गया, मैं इधर से आया और इधर से जा रहा है, कोई ये बीच में से आना है, मतलब लेफ़्ट लेना है उधर से, ऊपर उतरने के बाद लेफ़्ट लेना है सीढ़ी के बाद। और हाँ ये यहाँ पे रास्ता दिख रहा है मुझे, अभी यहाँ से नीचे जाते हैं, लेट्स सी। अभी
आई होप यहाँ पे थोड़ा वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है, उधर तो वाटरफॉल का आवाज़ भी नहीं आ रहा। जो ट्रैकिंग करते हैं उन लोग के लिए आसान है ये वाला रास्ता, बट जो मेरे जैसे कभी कभार ट्रैकिंग इतना बड़ा नहीं करते, छोटा मोटा करते, उन लोग के लिए थोड़ा हार्ड लगता है। तो देवकुंड जैसी भीड़ नहीं रहती है, बट डिसेंट्स है, बट अभी ट्रेंडिंग होने लग गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गया इंटरनेट पर। तो जो भी देख रहा है मेरा भी व्लॉग देख के आ रहा है, तो अपना जो वो बॉटल वगैरह रहेगा प्लास्टिक का कुछ भी रहेगा, मैंने अभी आते टाइम दो तीन बॉटल ऐसे ही देखे, आप कोशिश करो कि ना करें ऐसा, ठीक है। अपना अभी मैंने बैग लाई है, मेरा वाला जो भी वाटर बॉटल रहेगा प्लास्टिक का वो मैं बैग में रख के रिटर्न लेके जाने वाला हूँ। तो अभी थोड़ा टेंशन आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा अभी ज़्यादा होने लग गया है, यहाँ तक तो ठीक था, अब यहाँ से बहुत नीचे। मैं ऊपर कर देता हूँ भाई, इसकी वजह से कुछ डेप्थ नहीं समझ रही है। लेट्स डू इट। इधर से नीचे कैसे तो उतरा है, और यहाँ पे छोटा वाला है और उस साइड बड़ा वाला है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से। फाइनली यूज करने का मौका मिल गया, वैसे दूसरे साइड जाने वाला था, ये साइड आ रहा है, ये साइड पे मस्त। कैसा है ये सफर, मंजिलों ना है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर, कैसा इधर जाके आया, इधर थोड़ा बहुत स्विमिंग किया, इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था मैं स्विमिंग पे इसमें, बट ठीक है थोड़ा एंजॉय किया, भीग गया। अभी क्या है, ये वाला हो गया, अभी इधर जाने का है नीचे, तो ये वाला जो बड़ा वाला फॉल है वो नीचे जाके ही दिखेगा। रिवर यहाँ से आ रही है, और मैं एक्चुअली रिवर में खड़ा हुई था, पानी नहीं है, तो ये भी एक रिवर ही है। आपको पूरा जूम आउट करके बता देता हूँ, तो आप पीछे देख रहे हो ना, वो भी एक रिवर ही है, यहाँ से भी पानी आ रहा है, उधर भी वाटरफॉल बहुत है, यहाँ पे भी वाटरफॉल है। लेट्स सी,
थोड़ा बहुत चालू है, बट वहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत चालू है अभी भी। समर के हिसाब से सारे वाटरफॉल बंद ही होते, बट ये वाला अभी तक चालू है। ये भी देखो छोटा बहुत चालू है। ओ भाई साहब, गजब व्यू है, गजब। तो रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है अभी सीन ऐसा है कि ऊपर वाला जो पानी था ना वो डीप नहीं था ज़्यादा, मतलब दिख रहा था नीचे का जो पोर्शन था, और लाइफ जैकेट भी था। अभी इधर का जो पानी है ना वो घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डीप है, तो भाई नहीं कर सकता। अगर कोई साथ में रहता ना, मतलब मेरे आजू बाजू कोई रहता तो एक बार ठीक है, बट इतना भी रिस्क नहीं उठाएगा मैं कि इतने वाले डीप पानी में मैं जाऊँगा। बाकी ये अपना चालू है। ऐसी राह से गुजर दिखाना था आपको, दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे बटन दबा देना। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, गुड बाय। सफर।